तो हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है सभी का आइडिया एक्सम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर डीजीटी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डीजीटी ने एक नया नोटिस जारी किया है अपनी ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, आप चाहे तो देख भी सकते हो, NCVTMIS डाल सकते हो आप, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उन्होंने अपनी जो है यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो, 28 दिसंबर को जो है ये उन्होंने डाला है। ठीक है, लेकिन ये अभी जो है वहाँ पर अपलोड हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें बातें क्या कहा गई, ये सब कुछ इसमें एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने कंफर्म कर दिया, किस किस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और किसके होने वाले हैं और कब होंगे। ठीक है, तो ये मन में आपके डाउट बन चुका होगा कि आप सोच रहे होंगे किसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ छात्रों के जो हैं कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, वो कब हुए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो आपका मेन है। वैसे तो आप लोग देख सकते हो इन्होंने कम्प्लीट इन्होंने CBT एग्ज़ाम की बात कही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये तो आपके कन्फर्म हो चुका है दोस्तों कि आपका जो है CBT एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इन्होंने थोड़ी सी बात कही है पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि इन्होंने बताया कि जो है आपकी शेड्यूल जारी हुआ था, जो पिछला पेपर था आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का और आपका जो प्रैक्टिकल था, वो 23 नवंबर को जो है इन्होंने स्टार्ट किया, 3 दिसंबर तक जो है चला था। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने बताया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस की जो है इनकी परीक्षा होगी दोस्तों, वो होगी आपकी CBT। देखिए आप लोग पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा होगा, विच आर टू बी कंडक्टिंग बाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT ऑनलाइन मोड एट % ठीक है, तो इन्होंने बात कही गई है ऑनलाइन की। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस छात्रों के एग्ज़ाम इन्होंने कराए हैं। देखिए परेशान मत होना, इनमें सोचा आपके छूट गए हैं तो आपके छूटे नहीं हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। देखिए इन्होंने बात कही गया कि इन्होंने कि फेज़ वन, यहाँ से पढ़िए, फेज़ वन टू CBT इज शेड्यूल टू बिहाइंड फ्रॉम 28/12/2020। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने जो है बात कही है 28 तारीख को जो है 28 दिसंबर को कुछ छात्रों के एग्ज़ाम कराए गए थे। अब वो कैसे एग्ज़ाम दोस्तों, वो बहुत ही ऐसे ट्रेड्स थी जो बहुत ही कम छात्र लेते हैं, ये ऐसे छात्र थे जो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही मतलब किन्ने चुने, आप भी ऐसे ट्रेड को जानते भी नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे ट्रेड का जो है इन्होंने जो बहुत ही कम होते हैं उनके जो है एग्ज़ाम कराए गए थे। ठीक है, वाराणसी में जो है ये कराए गए थे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब जो इन्होंने फेज़ टू की बात कही है, फेज़ टू में इन्होंने बताया है जो अलग अलग फेज़ के हिसाब से जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं। फेज़ थ्री सेकेंड की इन्होंने बात कही है, वो कब होंगे, वो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो 42 ट्रेड्स हैं इनका जो होगा 4 जनवरी को होगा दोस्तों। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है 4 जनवरी को जो है इन्होंने 42 ट्रेड्स हैं उनका जो है 4 जनवरी को कराया जाएगा। ठीक, अब देखिए इन्होंने CBT एग्ज़ाम की बात कही है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे ट्रेड का इसमें 42 ट्रेड कहाँ है, तो उन्होंने फिलहाल इन्होंने ये तो नहीं दिया कि 42 ट्रेड्स कौन कौन सी हैं। ठीक, अगर ये मुझे नहीं लगता कि इसमें इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों के लिए तो नहीं होगा है। ठीक है, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए, इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों के लिए नहीं है। ये 42 ट्रेड्स ऐसी हैं जो बहुत ही कम छात्र मतलब ज्वाइन करते हैं, बहुत ही छात्र जो कम छात्र होते हैं जो इन्हें लेते हैं 42 ट्रेड। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, तो इनके एग्ज़ाम पहले कराए जाएंगे। और जो फिटर जो आपकी बड़ी बड़ी ट्रेड्स हैं, फिटर इलेक्ट्रिशियन वगैरह मैकेनिकल वगैरह, तो इनकी जो है अब बाद में कराया जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ फेज़ सेकेंड की बात कही है ना, फेज़ सेकेंड की। अब जो फेज़ थर्ड है वो देखना ये है कि फेज़ थर्ड का क्या सिस्टम होगा। अब फेज़ थर्ड जो बता रहे हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं 11 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी को जो है फेज़ थर्ड के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उसमें भी कुछ ट्रेड्स हैं। ठीक है, फिलहाल तो उन्होंने इतना ही लिखा है, फिलहाल फेज़ सेकेंड के बारे में बताया। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए 42 ट्रेड में से अगर आपकी भी एक आधी ट्रेड हुई तो आप एक काम करना दोस्तों, ठीक है, तो अपने जो ITI कॉलेज में है उनसे पता कीजिए। ठीक है, एक बार उनके टच में आइए, उनसे पता कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग के एग्ज़ाम को मतलब किसी भी कारणवश छूट जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है ट्रेड्स इनमें से होगी, लेकिन काफ़ी सारे छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्या पता 20,000 लोगों में से क्या पता एक आधे की हुई है ना, तो एक बार फिर भी एक बार कन्फर्म कर लेना अपने कॉलेज से। ठीक, अपने कॉलेज से एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि सर मेरा एग्ज़ाम तो नहीं है। ठीक है, वहाँ पर बता देंगे वो नहीं या फिर हाँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इन्होंने फिलहाल इतनी ही बात कही गई है अपने इस नोटिस में। अब देखना है कि अब और जो शेड्यूल जारी होगा, जो नया जो नोटिस जारी होगा, अब और जो बाकी पेपर आप लोग के रह रहे हैं फिटर इलेक्ट्रिशियन वालों की जो बड़ी ट्रेड्स हैं, इनका देखते हैं क्या सिस्टम होता है, इनके कब तक जो है ऑफिशियल डेट आती है। लेकिन फिर भी एक बात को मतलब अपनी संतुष्टि करने के लिए, ठीक है, तो अपने कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट बना लीजिए मेरे भाई। ठीक है, उनसे बात कर लीजिए एक बार कि सर मेरा एग्ज़ाम तो नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो वो बता देंगे हाँ या ना में। ठीक है, तो अपने ITI के टच में आपको रहना है।
तो जैसे और ऐसे ही अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर कंफर्म करूँगा। और जो दोस्तों आपको 42 ट्रेड्स हैं, इन्होंने हालांकि दिया तो नहीं है, लेकिन शायद अगर मैं और खोजबीन काट के यहाँ से लेकर तो आऊँगा आप लोगों के लिए वीडियो, इन 42 ट्रेड के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। शायद मैं आपको कल देखता हूँ, कल अगर मुझे कहीं से भी मिलता है सिस्टम ये, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अगर छोटी से छोटी भी अपडेट आएगी ना इससे रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो इसलिए जितने मेरे भाई नए देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर छोटी से छोटी अपडेट मिलती रहती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम ज़रूर कर देना है, फ़िलहाल अपनी आईटी के टच में रहिएगा, ठीक है, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा ताकि आपका जो है सब कुछ कंफर्म हो जाए। तो चलिए अब मैं वीडियो कर रहा हूँ समाप्त, और जो अगली वीडियो होगी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए जो 42 ट्रेड हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आऊँ कि ये कौन कौन से आखिरी ट्रेड हैं। फिलहाल मुझे यही जानकारी देनी थी फिलहाल इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को मतलब तैयार हो जाओ, ठीक है, एक किस्म से। तो चलिए वीडियो करता हूँ समाप्त, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद मेरे भाइयों।